हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक न्यू चैप्टर और जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 12, क्लास 10 ज्योग्राफी। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपने जैसे ही चैप्टर का नाम देखा ह्यूमन रिसोर्सेज, तो पहली चीज़ क्या आई इसमें, रिसोर्सेस आई थी। तो मैंने एक ज्योग्राफी का चैप्टर था वाटर रिसोर्सेस, उसमें रिसोर्सेस के बारे में बताया था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन, और रिसोर्सेस कोई भी ऐसी चीज़, रिसोर्सेज का मतलब होता है, मैं बेसिक बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, रिसोर्सेज का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करे, मतलब हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करे, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेस। सपोज आप एक पेन यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, एक पेन यूज कर रहे हो, तो पेन की ज़रूरत क्या है, आपको पता है, आपको लिखने के काम आ रहा है, तो हमारी नीड्स है, तो पेन हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, पेंसिल हमारी नीड को फुलफिल कर रही है, एक मोबाइल अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, यूट्यूब अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो दीज ऑल थिंग्स आर रिसोर्सेज। तो ऐसी कोई भी चीज़ हमारे आसपास, कुछ भी देख लो आप अपने आसपास, कॉपी ले लो, पेन ले लो, मेज ले लो, चेयर, और आपके कुछ भी घर में जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो भी आप यूज करते हो, एवरी थिंग इज कॉल्ड रिसोर्स। हर चीज़ क्या कहलाएगी हमारे लिए, रिसोर्स। फिलहाल चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह ही है। ह्यूमन भी किसकी तरह काम आता है, रिसोर्स की तरह काम आता है। आपके स्कूल में आपके टीचर, टीचर कौन है, आपके रिसोर्स हैं, क्यों, क्योंकि आपको वो पढ़ाने के काम आ रहा है, आपकी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कौन हूँ, आपके लिए एक रिसोर्स हूँ, ठीक है। कंपनी में कोई इंजीनियर काम कर रहा है, वो भी कंपनी के लिए क्या है, एक रिसोर्स है। वर्कर किसी के लिए काम कर रहा है, वो भी एक क्या है, रिसोर्स है। डॉक्टर एक किसी के लिए सर्विस दे रहा है, वो भी क्या है, रिसोर्स है। तो ह्यूमन भी अगर उनके पास कुछ स्किल है, ह्यूमन के पास अगर कोई स्किल है, तो ही कैन ऑल्सो वर्क एज ए रिसोर्स। स्किल नहीं है तब भी वो मतलब वर्कर की तरह काम करेगा, तब भी एक तरह से रिसोर्स की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ इंक्लूडिंग मैन, वुमेन, प्लांट्स, एनिमल्स, एनीथिंग, कुछ भी ले लो, जो हमारे या किसी के काम आए, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। अगर हमारे लिए कोई चीज़ काम की नहीं, तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं, हो सकता है किसी दूसरे के लिए क्या होगा, रिसोर्स। तो पहली चीज़ तो हमने बात करी रिसोर्स की, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम क्या है, पूरे चैप्टर में पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से संबंधित चीज़ों के बारे में कुछ डेटा देखने वाले हैं। फिलहाल मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो राजस्थान की गवर्नमेंट बुक है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं डेटा के। मैंने जो डेटा पर्सनली इसमें यूज किया है, सेंसस वाला डेटा, वो गवर्नमेंट की साइट से यूज किया है, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी, आप बुक वाला यूज करो या ये वाला। तो मैंने तो जो डेटा यूज किया है, वो यूज किया है हमारी सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाला डेटा यूज किया है, ठीक है। तो डेटा एक्यूरेट है एकदम, और फिर भी थोड़ी बहुत अगर कहीं हो मिस्टेक तो मुझे बताना, नो कमेंट करना, मैं देखूंगा। बाकी मैंने जो भी डेटा यूज किया है, दैट इज़ एज पर दी गवर्नमेंट डेटा, ठीक है। बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो इसलिए मैंने वो डेटा यूज नहीं किया है, ताकि फिर आपको भी कन्फ्यूजन हो। फिलहाल हम देखेंगे सेंसस क्या होती है, क्योंकि इसमें बार बार पूरे चैप्टर में सेंसस ही सेंसस आएगा। तो सेंसस का मतलब होता है, हिंदी में सेंसस को बोलते हैं जनगणना, जनगणना, ठीक है। आपको पता है, आपने सुना होगा जनगणना, जन का मतलब है पीपल, गणना मतलब उसकी काउंटिंग, लोगों की काउंटिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है सेंसस। अब सेंसस आपको पता चल गया, मतलब लोगों की गणना, भारत देश में जितने भी लोग हैं सबकी काउंटिंग करना, ये किसके अंडर में आएगी, सेंसस। और सेंसस की काउंटिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रहता है सेंसस डिपार्टमेंट, वो हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करता है। थोड़ा सा सेंसस के बैकग्राउंड के बारे में, जो अपनी बुक में नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहली बार हमारे इंडिया में सेंसस की जो काउंटिंग की शुरुआत की गई थी, वो 1872 में की गई थी, एक शुरुआत की गई थी। पहली बार जो कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में हुई थी, कंप्लीट सेंसस। और फिर इसके बाद हर 10 साल में, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स ऑफ गैप, सेंसस कंडक्ट करते आ रहे हैं। फिर इसके बाद 1891, फिर 1901, फिर 1911, ऐसे करके डॉट 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 चलते चले आओ। और फिर हमारी जो लास्ट सेंसस हुई है, दैट इज 2011। कौन सी सेंसस है, 2011 की सेंसस है। और अब 10 साल बाद कब होगी, 2021 में। 2021 का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 2021 की सेंसस का डेटा आएगा। फिलहाल हमारी जो बुक में हम यूज करेंगे, वो मोस्टली डेटा कौन सा होगा, 2011 का, ठीक है। तो सेंसस क्या है, पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा। अच्छा, सेंसस में क्या क्या जानकारी मिलती है, सेंसस में हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चलेगा, पॉपुलेशन किसकी, पॉपुलेशन कंट्री की भी पता चल सकती है, पॉपुलेशन स्टेट्स की भी पता चल सकती है, पॉपुलेशन सिटीज़ की भी पता चल सकती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की भी पता चल सकती है, पॉपुलेशन टाउन्स की भी पता चल सकती है, पॉपुलेशन विलेज की भी पता चल सकती है, और
सभी देशों की अगर सेंसस का डेटा मिल जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में, तो पहली चीज़ क्या मिल रही है हमें, पॉपुलेशन का डेटा मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या मिलती है हमें सेंसस से, दूसरी चीज़ जो मिलती है हमें किस रिलीजन्स के बारे में पता चलता है, कितने रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ठीक है, और तो और कास्ट के बारे में भी पता चल जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन की डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में पता चलता है कि कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कहाँ पे कम रह रहे हैं। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है किस किस एरिया में कितनी कितनी पॉपुलेशन फैली हुई है, ठीक है। पॉपुलेशन से ट्राइब्स के बारे में पता चलता है, ट्राइब्स का डेटा आता है। पॉपुलेशन से हमें लिटरेसी का डेटा आता है, लिटरेसी मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता जिसको हम बोलते हैं, मेल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, फीमेल कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी में इंडिया की लिटरेसी आती है, फिर लिटरेसी में स्टेट वाइज लिटरेसी पता चलता है, ठीक है। लिटरेसी में मेल का पता चलता है, फीमेल का पता चलता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है मेल्स और फीमेल्स में। लिटरेसी से हमें सेक्स रेशियो का डेटा पता चलता है, ठीक है। सेक्स रेशियो मतलब 1,000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या क्या कहलाती है, सेक्स रेशियो, इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी हमें इंडिया का पता चलता है, एज वेल एज स्टेट वाइज पता लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये जानकारी हमें मिलेगी सेंसस से, तो ध्यान रखना सेंसस का डेटा हम बार बार यूज करेंगे 2011 का। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। सबसे पहले रिसोर्स, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और जिनसे हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। तो हर कुछ जो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए वो क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। दूसरी चीज़ ह्यूमन भी, मैंने बताया था ह्यूमन भी रिसोर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। और मैंने एक इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया था स्किल डेवलपमेंट, वो वाला चैप्टर स्किल डेवलपमेंट वाला वीडियो देखें, उसमें भी मैंने बताया था अगर ह्यूमंस को हम क्या करें, हेल्थ ट्रेनिंग एजुकेशन इन सब चीज़ों पर फोकस करें, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, स्किल्स प्रोवाइड करें, तो ह्यूमंस को भी, ह्यूमन पॉपुलेशन को भी हम ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, असेट में। असेट का मतलब है एक प्रकार से हमारे पास संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन अपने आप में एक प्रकार का रिसोर्स माना जाता है, ठीक है, मान सकते हैं। वी कैन डेवलप अवर फिजिकल एंड मेंटल पावर थ्रू एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और स्किल्स। हम ह्यूमंस के अंदर इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, किसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो कैपेसिटी है, ह्यूमंस के अंदर जो उनको रिसोर्स बनाना, अगर ह्यूमंस को रिसोर्स बनाना है तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन देकर, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर, अच्छे हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर और अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करके हम उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में। और आपको पता है हमारी सरकार ने एक स्कीम चला रखी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल का मतलब है स्किल, या इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम या प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें किस पर फोकस किया जा रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है ताकि उसको वो हमारे ऊपर एक प्रकार की जिम्मेदारी ना बने, बल्कि क्या बन जाए, हमारे लिए असेट बन जाए। कुछ लोग क्या समझते हैं कि यार ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये तो एक प्रकार का बर्डन है, जिम्मेदारी है देश पर। नहीं, अगर उन्हीं को हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, वही पॉपुलेशन लाइबिलिटी की बजाय क्या बन जाएगी, असेट बन जाएगी, संपत्ति बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं देश के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को लाइबिलिटी ना समझकर अगर असेट बनाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन चेंज ह्यूमन पॉपुलेशन इंटू ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन क्या होती है, तो पॉपुलेशन मैंने बताया था पॉपुलेशन का डेटा हमें मिलता है सेंसस से। तो पॉपुलेशन का मतलब है इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस, सपोज इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हो गया पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम। जैसे इंडिया में 2001 में हमारी पॉपुलेशन लगभग थी 102 करोड़, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम हो गया। अब 2011 की बात करें, 2011 की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 121 करोड़। तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी, 19 करोड़, 19 करोड़। तो क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट पर्टिकुलर प्लेस, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ पीपल 2001 में कितने थे, 102 करोड़, 2011 में कितने, 121 करोड़, 121 करोड़ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्लेस पर टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। सो पॉपुलेशन वो है किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, कोई भी पर्टिकुलर जगह ले लो, कोई पर्टिकुलर प्लेस ले लो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई कंट्री ले लो, वर्ल्ड ले लो, तो पूरा पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। हो सकता है आपके गाँव की अभी की पॉपुलेशन देख लो,
दस साल बाद देख लेना किस आपके शहर की अब की पॉपुलेशन देख लो, 10 साल बाद की पॉपुलेशन देख लेना, या अब की पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने और टाइम देख लो, वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। किसी भी जगह की किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। और पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना जो होती है उससे हमें पता चलता है। आपको पता है घर घर में जाकर टीचर्स आते हैं, जब ये सेंसस होती है तो वो पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आपसे सारी जानकारी लेके जाते हैं और फिर उसी को वो कंपाइल करके रिलीज कर देते हैं, ठीक है, सरकार रिलीज करती है। तो घर घर जाकर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने लोगों प्राइमरी सेक्टर से कनेक्टेड हैं, कितने सेकेंडरी से कनेक्टेड हैं, कितने टर्सरी सेक्टर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का क्या क्या रेशियो है, हर चीज़ की जानकारी घर घर जाकर ये लेते हैं। तो पॉपुलेशन एक प्रकार का रिसोर्स है बाकी अदर रिसोर्स की तरह, ठीक है। अच्छा, ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पहली चीज़ तो पॉपुलेशन का साइज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट टेल्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मैन वुमेन चिल्ड्रन हाउ मैनी पीपल लिव एट पर्टिकुलर प्लेस, मतलब किसी जगह पर कितने लोग रह रहे हैं उससे साइज डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा, डेंसिटी का पता चलेगा, कितने मैन है कितने वुमेन है कितने चिल्ड्रन है इनका पता चलेगा। पॉपुलेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड पॉपुलेशन चेंज का मतलब है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कितना नंबर इंक्रीज हुआ और किसके क्या क्या रीजन्स हैं वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। पॉपुलेशन की विशेषताएँ क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएँ मतलब कितने एज ग्रुप के लोग हैं कंट्री में, कितने एज ग्रुप के कितने कितने लोग हैं, जैसे 25 साल से नीचे तक के कितने लोग हैं, 50 साल तक के लोग कितने, 25 से 50 के बीच में, 50 60 से ऊपर के कितने लोग हैं, सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, प्रोफेशन उनका व्यवसाय क्या है, हेल्थ और अदर कंडीशंस कैसी हैं, सारी चीज़ की जानकारी हमें किससे मिलती है, पॉपुलेशन से। हालांकि इनको एक एक करके हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे जो वीडियोज हैं उनके जो लेक्चर की जो PDF है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो मैंने बना रखा है इस पर, तो यहाँ पर सारे नोट्स हमारे अवेलेबल हैं और जो हमारे नोटिफिकेशन है उनको आप यहाँ यहाँ पर देख सकते हो, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।